सुशांत सिंह राजपूत के केस में पहली बार उद्धव ठाकरे आकर खुद बोले हैं सामने से। जी हाँ, क्या कुछ कहा है उद्धव ठाकरे ने, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि पिछले कई समय से मुंबई पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, जब से बिहार पुलिस इस पूरे सीन के अंदर एंटर हुई है, मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है, पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि मुंबई पुलिस बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर। अब मैं आपको बताती हूँ कि उद्धव ठाकरे जी ने हाल ही में, जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्होंने आकर इस बात का बड़ा बयान दिया कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के केस को इन्वेस्टिगेट करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। जी हाँ, हर कोई मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से नाखुश है, सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि कई फैमिली मेंबर्स से लेकर बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, फाउल प्ले किया जा रहा है, एविडेंसेस के साथ टैम्परिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सीएम उद्धव ठाकरे जी ने आकर इस बात को कह दिया है कि मुंबई पुलिस बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में। ये केस सीबीआई के पास जाना मतलब ऐसा है कि मुंबई पुलिस केपेबल नहीं है, इसलिए हम ये केस सीबीआई को नहीं देकर, बल्कि हम खुद इतने केपेबल हैं, महाराष्ट्र पुलिस इतनी केपेबल है मुंबई पुलिस कि वो इस केस की पुख्ता तरीके से जांच करे। और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे जी ने ये भी कहा कि देश की जनता को, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को मुंबई पुलिस पर भरोसा होना चाहिए। जी हाँ, मुंबई पुलिस पर इतना भरोसा रखिए कि वो सही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सही चीज़ को, सच को बाहर लेकर आएंगे। यहाँ पर कोई भी इस केस से रिलेटेड कोई भी राजनीति फैलाना सही बात नहीं है, बेहतर यही रहेगा कि जनता जो है वो मुंबई पुलिस को सपोर्ट करे और इस बात को समझे कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ साथ कोरोना वायरस से भी बहुत ज़्यादा लड़ रही है, हर तरीके से अपना 100% देने की कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस। ऐसे में लोगों को मुंबई पुलिस का विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि ये केस सही तरीके से इन्वेस्टिगेट होगा, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी की जाँच की ज़रूरत नहीं है। मुंबई पुलिस खुद भी इतनी केपेबल है कि वो इस केस की इंक्वायरी कर लेगी। अब ये तो कहना था उद्धव ठाकरे जी का। यहाँ पर सवाल ये आता है, अगर मुंबई पुलिस वाकई इतनी सक्षम है कि वो इस केस की जानकारी और इस केस की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करें, तो फिर अभी तक इतने बड़े बड़े खुलासे क्यों नहीं किए जा रहे थे? जब से बिहार पुलिस सामने आई है उसके बाद से ही ये सारा केस जो है अब एक क्लियर कट पिक्चर बनती नज़र आ रही है, उसके पहले सिर्फ और सिर्फ धुंधली बातें हो रही थी। क्यों फैमिली की एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया मुंबई पुलिस ने? क्यों सिद्धार्थ पिटानी से लेकर, क्यों महेश शेट्टी से लेकर, क्यों संदीप सिंह तक के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं किए गए पुलिस के जरिए? ये सारे सवाल का जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप लोग एज ए व्यूअर मुझे बताइए कि आप लोगों का क्या कुछ है कहना इन सभी चीज़ों पर।